दोस्तों नमस्कार, नो बकवास टेक की बात। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन Z2010 प्रिंटर के बारे में, करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका सेटअप। यहां पर इस बॉक्स को खोलने के बाद हम इसका इंस्टॉलेशन खुद से करेंगे और इस प्रिंटर को चेक भी करेंगे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके कि प्रिंट की क्वालिटी कैसी है और कैसे निकालते हैं प्रिंट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है कैनन 2010 इंक टैंक प्रिंटर जो कि वायरलेस नहीं है। तो यहाँ डब्बा खोलते हैं, सबसे पहले हमें मिला है एक पावर कॉर्ड, ये इंक का पूरा एक सेट, एक USB केबल और यहाँ से कुछ हमें मिली हैं किताबें। तो इन बुक्स को भी एक एक करके चेक कर लेते हैं कि इन बुक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले मिलता है हमें एक यूज़र मैनुअल, यहाँ पे ड्राइवर्स की एक CD मिल जाती है। यहाँ कुछ और कागज़ हैं, जैसे इसमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हुए हैं, बहुत सारी भाषाओं में लिखे हुए हैं, तो इनको भी हम जल्दी से करते हैं साइड। और यहाँ पे एक कुछ पोस्टर आर्टिस्ट बोल के एक रंगीन कागज़ मिला हुआ है हमें, तो ये कुछ ऐप है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे सॉल्विंग प्रिंट क्वालिटी प्रॉब्लम्स, कैनन अपना कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहा है यहाँ पे। ये है एक वारंटी कार्ड, इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि किस कंडीशन में आपको वारंटी वाइड हो जाती है, ये सब लिखा हुआ है, कैसे क्या क्या कंडीशन है। और यहाँ पर एक और बड़ा सा पोस्टर मिलता है जिसमें इस प्रिंटर के बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे बाद में। चलिए सबसे पहले इस मेन यूनिट को निकाल लेते हैं, प्रिंटर यूनिट को। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है थर्मोकोल से चारों तरफ से और सारे डिवाइसेस जो हैं वो अच्छे से प्लास्टिक में रैप भी किए हुए हैं। और जब इस इंक बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलता है एक ब्लैक 3 कलर वाले CMY और ये BK के जो दो बड़े बड़े दिए हुए हैं, ये दो ब्लैक वाले एक्स्ट्रा हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे दो प्रिंट हेड्स दिए हुए हैं जो हमें इंस्टॉल करना होगा प्रिंटर के अंदर, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे मिलती है मैजेंटा, सियान एंड येलो कलर की 70-70 ml की 3 बॉटल्स और एक 70 ml की ब्लैक प्लस 135 ml वाली दो एक्स्ट्रा ब्लैक बॉटल्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इस प्रिंटर पे जितने भी ये टेप लगे हुए हैं येलो कलर ऑरेंज कलर वाले, उन सबको निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। ये देखिए, वो टेप निकालने के बाद इस तरीके से हम कुछ प्रिंटर को उठा देंगे और यहाँ अंदर आप देख सकते हैं ये तीनों कलर के इंक टैंक यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एक इंटीग्रेटेड इंक टैंक सिस्टम है, ये टैंक बाहर नहीं आता है, ये यहाँ पर फिक्स ही रहेगा। इन तीनों में जो कलर कोड ऊपर लगा हुआ है उसी कलर को वहाँ भरना है। और यहाँ पर ब्लैक कलर वाला अलग से आया हुआ है, ब्लैक कलर की जो टंकी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। यहाँ पर हमारा प्रिंटेड इंस्टॉल होगा और जो कलर वाले टैंक होते हैं वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं। चलिए अपने प्रिंटर इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस ऑरेंज वाली सील को बाहर निकालना, ये टेप से चिपका हुआ है तो इसको कुछ इस तरीके से उखाड़ करके बाहर निकाल लें तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हेड इंस्टॉल होने वाली जगह खाली हो जाएगी। वो कवर निकालने के बाद अब हम प्रिंटर के इस वाले हिस्से में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो नीचे एक ब्लू कलर का है क्लिप, उसको दबा कर ऐसे यूँ धीरे से इसको ऊपर उठा देंगे। अब यहाँ ऊपर उठाने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे दो लेटर्स लिखे हुए हैं C and B, तो C वाले में C जाएगा और B वाले में B जाएगा। और ये जो दो प्रिंट हेड्स हैं इनके ऊपर भी B और C क्लियरली लिखा हुआ है, तो इन दोनों ही प्रिंट हेड्स के ऊपर जो प्लास्टिक चिपका हुआ है उसको निकाल देंगे। इस स्टिकर को भी निकालना है हमें। तो यहाँ पर जो C लिखा हुआ है उसका मतलब है कलर और B जो लिखा हुआ है उसका मतलब ब्लैक, तो B वाले में ब्लैक जाएगा और C वाले में कलर जाएगा। ये जो स्टिकर्स लगे हुए हैं इसको हम इस तरीके से निकाल देंगे और अब चलिए करते हैं इन दोनों को इंस्टॉल। तो स्टिकर्स को निकालने के बाद हमें इस तरीके से रख देना है बस इस खांचे में, बी वाले में बी को, सी वाले में सी को। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से प्रिंट हेड के ऊपर जो स्टिकर्स लगे हुए हैं उसको निकाल कर ऐसा रख देना है B B। अब हमें बहुत ही सावधानी से धीरे से इस प्रिंट हेड को जो ऊपर जो है उसको ऐसा नीचे की तरफ ला कर दबा देना है। अब यहाँ पर एक लास्ट स्टेप बच गया है, हमें प्रिंट हेड्स को लॉक करना है। तो लॉक करने के लिए देखिए यहाँ स्प्रिंग वाले बटन है, उन दोनों बटन्स को ऐसा धीरे से प्रेस कर देंगे तो वो जाकर लॉक कर देता है हमारे प्रिंट हेड्स को। तो चलिए दोस्तों अब इंक्स की फिलिंग कर लेते हैं। हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक कलर को भर लेते हैं। एक बड़े वाले ब्लैक बॉटल को हमने खोल लिया, ये ब्लैक इंक बॉटल जो है एकदम रेडी टू यूज़ आता है। जस्ट ऊपर वाले कैप को हटाइए और इंक फिलिंग स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर स्लोली स्लोली धीरे धीरे करके हम इंक को भर देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि स्पिल ना हो जाए इंक, क्योंकि ये छूटता नहीं है जल्दी अगर आपके किसी भी सरफेस पे या कपड़े पर पड़ गया तो। तो यहाँ पर ये जो हमें 70 ml वाले छोटे छोटे बॉटल्स मिले हुए हैं ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है एक बार अगर आप फिल करो तो। और जब ये
आप प्रिंट करके इसे खर्च कर लेते हो, तो रिफ़िल भी आपको इसी क्वांटिटी में वापस लेना होता है 70 ml वाले बॉटल्स में। तो यहाँ पर हमारी इंक फिलिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट अभी ऑलमोस्ट। ये सारा कलर्स को फिल करने के बाद हम इसके सील ऊपर वाले ढक्कन को काफ़ी अच्छे से लगा देंगे और फिर इस प्रिंटर के ढक्कन को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमें खाली बॉटल्स को भी अच्छे से डिस्पोज करना है टाइटली बंद करके, क्योंकि अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देते हो घर में, अगर बच्चे हैं तो उसको वो मुंह में लगा लेंगे और ये जो इंक जो है वो ख़तरनाक होता है। तो अब यहाँ पे इंक फिलिंग वाला स्टेप हो चुका है कम्प्लीट। अब आइए एक एक करके समझते हैं इस प्रिंटर के पार्ट्स को। तो यहाँ पर यदि हम साइड में देखें तो यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल मिलता है हमें, यहाँ पे पावर बटन है, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले है, नीचे कलर और ब्लैक स्टॉप बटन है, प्लस बटन है, उसके ऊपर एक सेटिंग्स का बटन है। इन सभी बटन्स का फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रिंटर में हम कनेक्ट करते हैं पावर को। पावर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए पीछे नीचे की तरफ एक छोटा सा खांचा बना हुआ है, इसी खांचे में हम इस पावर कॉर्ड को ऐसे लगा देंगे और दूसरे एंड को हम किसी भी घर के डोमेस्टिक सॉकेट में लगा देंगे। इस प्रिंटर को पावर ऑन करने के लिए यहाँ राइट हैंड पैनल पे जो सबसे ऊपर वाला बटन है वो है पावर बटन। उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर ग्रीन LED जो है वो ब्लिंक होने लगेगी और नीचे डिस्प्ले में भी 01 ऐसा कुछ घूम कर आने लगेगा। यहाँ पर आपको नीचे अगर आप ढक्कन को खोल कर देखेंगे तो वहाँ पाइप में इंक भरना शुरू हो जाएगा जब आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो। अब यहाँ पर हमें एक जीरो और एक इंक का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि अभी जो है इंक की फिलिंग चल रही है और आपका प्रिंटर जो है अभी प्रिंट करने के लिए रेडी नहीं है। जब ये रेडी हो जाता है तो वहाँ पर 1 लिख कर आ जाता है। तो जिस लैपटॉप या कंप्यूटर में हमें इस प्रिंटर को यूज़ करना है उसके वेब ब्राउज़र में हम चले जाएंगे कैनन इंडिया की वेबसाइट पर और वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसके ड्राइवर्स को, या फिर जो CD इस प्रोडक्ट के साथ हमें मिली है और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में CD रीडर है तो उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ से जो हम डाउनलोड करेंगे वो लेटेस्ट वाला होगा। और सिर्फ ड्राइवर से नहीं, यहाँ पर आपको दूसरे सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स भी मिल जाते हैं जिससे आप आसानी से प्रिंट और स्कैन और कॉपी कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपने प्रिंटर के लिए ड्राइवर्स वाले सॉफ्टवेयर को कैनन इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है और अब यहाँ पर हम कर रहे हैं इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो ये लैपटॉप है वो रेडी टू प्रिंट हो जाएगा इस प्रिंटर के साथ। वैसे यदि आप ड्राइवर्स डाउनलोड नहीं भी करते हो और डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के साथ USB केबल के माध्यम से इसे कनेक्ट कर देते हो तो भी आपका कंप्यूटर या जो लैपटॉप है वो इसे डिटेक्ट कर लेता है और प्रिंट कर देगा। लेकिन जो कुछ फीचर्स होते हैं जैसे डुप्लेक्स प्रिंटिंग, कागज़ का सेटअप, पेपर का सेटअप, मार्जिन का सेटअप, ये सब जो है इसके सॉफ्टवेयर में ही अच्छे से मिल पाता है हमें। तो यहाँ पर जब तक हमने सॉफ्टवेयर्स वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉल किए तब तक यहाँ पर हमारे प्रिंटर के ट्यूब्स में जो है इंक जो है वो अच्छी तरीके से भर चुके हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब ढक्कन को बंद कर देखते हैं और देखते हैं कि डिस्प्ले पर, तो यहाँ पर देखिए 1 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा प्रिंटर जो है वो तैयार है प्रिंट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पावर बटन, उसके नीचे सेटअप का बटन। इस सेटअप के बटन को यूज़ करके आप डेमो प्रिंट निकाल सकते हैं और कुछ कुछ सेटिंग कर सकते हैं। इसके बारे में जो है वो जानकारी मैनुअल में लिखी हुई है। कितनी कॉपीज़ आपको निकालनी है इस प्लस का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, तो 19। यहाँ लास्ट जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस निकालने हैं वो आप इस प्लस बटन के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को बीच में स्टॉप करने के लिए यहाँ पर नीचे जो है वो स्टॉप बटन दिया हुआ है। यहाँ इस सेटअप बटन के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटा सा LED दिया हुआ है, वो रेड LED है। जब आपके कंप्यूटर या आपके प्रिंटर में कुछ खराबी आती है, कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आता है तो वो रेड LED ब्लिंक होता है। यहाँ पर स्टॉप बटन के नीचे आप देख सकते हैं ब्लैक एंड कलर। तो जब आपको स्कैनर के माध्यम से कोई कॉपी निकालना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी निकालने के लिए आपको ब्लैक बटन को दबाना है और कलर कॉपी निकालने के लिए आपको कलर बटन को दबाना है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है और अब इस प्रिंटर को हम अपने लैपटॉप के साथ USB के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। USB कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पीछे जो है वो USB पोर्ट दिया हुआ है और दूसरे एंड को हम अपने लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा देंगे और लगाने के बाद ये ऑटोमेटिक सब कुछ डिटेक्ट करके इस प्रिंटर को डिटेक्ट कर लेगा और सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है वो है प्रिंट हेड एडजस्टमेंट का, तो उसे हम नेक्स्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक ये अपने प्रिंट हेड को एडजस्ट कर लेगा। और उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलता है वो है प्रिंट टेस्ट पेज। तो जैसे ही हम टेस्ट पेज पे क्लिक करेंगे प्रिंट टेस्ट पेज, हमारा टेस्ट पेज जो है वो प्रिंट होने लग जाएगा। तो उसके लिए हमें बैक फीड में जो है वो पेपर एक डाल के रखना है। यहाँ पर मैंने प्रिंट टेस्ट पेज को 2-3 बार क्लिक कर दिया था, तो देखिए 2-3 बार प्रिंट आ गए। तो दोस्तों इस स्टेप के साथ ही हमारा प्रिंटर का इंस्टॉलेशन हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर हमने टेस्ट पेज भी प्रिंट निकाल करके दिखा दिया और सेटअप करके भी दिखा दिया, तो काफ़ी आसान था। इसके लिए आपको कंपनी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है,
आप खुद भी अगर थोड़े बहुत भी स्किल्ड हो तो खुद से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों यदि इस प्रिंटर का आपको अच्छा बड़ा रिव्यू चाहिए तो आप बताइए, इस पर मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये बता दूं कि 5-6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, कलर क्वालिटी प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। और कोई भी सवाल हो इस प्रिंटर से रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। तो फिर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोज़ लाते रहते हैं।